जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सुपर क्रिकेट। तो आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के बारे में। बता दें कि जल्द ही अब आईपीएल 2024 का मिनी ऑक्शन होने वाला है। बता दें इसमें कई बड़े खिलाड़ी को टारगेट करने वाली है चेन्नई सुपर किंग। लेकिन ऐसे दो बेहतरीन ऑलराउंडर के बारे में बात करेंगे जिसको कंफर्म रूप से चेन्नई सुपर किंग टारगेट करती हुई नज़र आ सकती है आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में। तो इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो बात करें आईपीएल 2024 का जो मिनी ऑक्शन है वह लगभग दिसंबर में होने वाला है 2023 का। ऐसे में सभी टीमें अब तैयारियां शुरू कर दी है क्योंकि बता दी कि बेहद ही कम समय है आईपीएल 2024 का मिनी ऑक्शन में। ऐसे में जो खबर निकल के आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स से दो बड़े ऑलराउंडर को टारगेट करती हुई नज़र आने वाली है। जो सबसे पहले ऑलराउंडर है वह है पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया का कप्तान भी है और बता दी कमाल के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं और स्पेशली चेन्नई के पिच पर बेहद ही घातक साबित हो सकते हैं। बता दें कि पैट कमिंस शानदार गेंदबाजी के साथ साथ आखिरी ओवर में कमाल के भी बैटिंग कर सकते हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए बेहद ही कारगर है और इसीलिए इनके पीछे जाने वाली है चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में। वहीं बात करें हम दूसरे ऑलराउंडर का तो वह है रिचर्ड रविंद्रा। बता दें कि रिचर्ड रविंद्रा ने सभी को प्रभावित किया है। बता दें कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और बेहतरीन स्पिनर भी है, इसके साथ कमाल के फील्डर भी है, यानी कि 3D प्लेयर है रिचर्ड रविंद्रा। और बता दें कि चेन्नई के मैदान पर स्पिनरों को ऐसा ही मदद रहता है, इसलिए रिचर्ड रविंद्रा को भी टारगेट करते हुए नजर आ सकती है चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में। तो यह दो ऐसे ऑलराउंडर जिसके पीछे जाने वाली है चेन्नई सुपर किंग और अच्छा खासा रकम देने वाली है। तो आपको क्या लगता है, यह अगर दोनों ऑलराउंडर शामिल होते हैं चेन्नई सुपर किंग में तो आईपीएल 2024 में कैसा रहेगा परफॉर्मेंस, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।